नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जो लोग वो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए से नीचे वाले शेयर्स खरीदने की तरफ एग्रेसिवली फोकस करते रहते हैं, केवल ये सोचकर कि ये शेयर्स 10% बढ़ सकते हैं, 20% बढ़ सकते हैं, इन्हें खरीदो, इनमें जल्दी पैसा बनेगा, ज्यादा पैसा बन सकता है। मैं अगर वहीं किस लिटरली ये फैक्ट है, अगर आप अपने एरिए में जो शेयर बाजार में काम कर रहे हैं उन लोगों से बात करोगे और उन्हें मतलब उन्हें ज़्यादा नॉलेज वगैरह ना हो, ज़्यादा पुराने ना हो बाजार में, और उन्हें कहो वो शेयर ले ले 2000 का, तो उनका इंस्टेंट रिप्लाई होता है ये तो बहुत महंगा है। और वहीं आपको 100 रुपये वाला शेयर ले ले तो कहेंगे ये सस्ता है। आप नोटिस करना, जिस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है लेकिन शेयर का प्राइस 100 रुपये है, वो शेयर करना। और आप किसी ऐसे स्टॉक को, फॉर एन एग्जाम्पल, आप टाटा पावर किसी को बोलना जो 250 रुपये का है, नहीं 250 नहीं, अब तो 400 का, 300 का, 350 का है। मैं आपके साथ कोई भी कंपनी शेयर कर देता हूँ जिसका मार्केट कैप बड़ा है और उसका शेयर का प्राइस छोटा है। मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका आई थिंक स्टॉक का प्राइस छोटा ही है, 100-125 रुपये करीब का है, 130 रुपये का है और मार्केट कैप है 1,80,000 करोड़ का। इसके सामने आप शेयर कर देना MRF, वो कहते तो बहुत महंगा है, जिसमें कंपनी एक्चुअल में ये बड़ी है वो तो 40,000-50,000, आई थिंक MRF का भी मार्केट कैप देख लेता हूँ कितना है, पर मेरे को नहीं लगता ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप है, 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, उससे 3 गुना महंगा है, लेकिन शेयर MRF महंगा दिखेगा बाइंग के हिसाब से। ये तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया। अगर आप कोई 1,000-2,000 रुपये का शेयर भी डिस्कस करोगे, लाइक मैं एशियन पेंट भी आई थिंक बड़ी कंपनी है, कोई भी स्टॉक उठा लो आप, बहुत सारे हैं, सीएट हो गया आपका, आपका जो कंपनी ले लीजिए FSL वगैरह, तो जो जिसका मार्केट कैप, सिंपल कहने का मेरा मतलब जो है वो आप समझ गए होगे आई थिंक। मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट कैप कोई नहीं देखता, शेयर का प्राइस सब देखते हैं, केवल इसलिए कि इस शेयर में ज़्यादा मूवमेंट आ सकती है, महंगे शेयर में मूवमेंट नहीं आती है। तो आज एक परफेक्ट एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत पड़ जाएगा। स्टॉक का नाम है VST इंडस्ट्रीज। आज शेयर का प्राइस 20% के सर्किट पे लॉक हुआ है और कितनी बार कंपनियां जो हैं आपके लिए बड़ी बड़ी 20% भागती हैं। अभी थोड़े दिन पहले 3M इंडिया भागा था, आज VST इंडस्ट्रीज भागा है, 4,060 रुपये का हो गया है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, VST इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स हमेशा स्ट्रांग दिखेंगे आपको। ये वो कंपनी है जिसके रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आप देखोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। ये वो कंपनी जो केवल 17 के PE पे मिलती है, वो भी रिटेल कैटेगरी में, ठीक है जी। एक तरफ डीमार्ट है, रिलायंस रिटेल है, जिनको 100-100 के मल्टीपल्स दिए जा रहे हैं, और जो ये कपड़ों वाले, क्लोथ्स वाली रिटेल स्टोर है ट्रेंड्स जैसे, इनको 200-200 के PE दिए जा रहे हैं, और वहीं VST इंडस्ट्रीज को क्या दिया जा रहा है, 17 का वैल्यूएशन। इस कंपनी में कितनी कैपेसिटी है आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं फ्रेश एंट्री की राय नहीं दे रहा हूं, मैं अपडेट दे रहा हूं, वो बता रहा हूं। इस स्टॉक का मार्केट कैप 6,000 करोड़ का है, केवल इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, सब छोड़ो, 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन किसी को बोलोगे तो कहेगा बहुत महंगा शेयर है, और वहीं IOC को सस्ता बता देगा। अभी इस कंपनी की बात करूं तो 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी है और 38% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। आज इस कंपनी में 20% का सर्किट लगा है। अब आ जाता हूं इंटरेस्टिंग बात पे। राधा किशन धमानी जी, जो खुद एक रिटेल चेन स्टोर टाइप चलाते हैं जिसका नाम है डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से भी आप जानते हो, उन्होंने VST इंडस्ट्रीज में बड़ी बाइंग करी है, लगभग 2.2 लाख शेयर्स खरीदे हैं कंपनी में, 2.2 लाख शेयर्स, तो बड़ी बाइंग आई है राधाकिशन दमानी जी की तरफ से, और ऑलरेडी वो इस स्टॉक में एक बड़े निवेशक हैं। पहले मैं अपडेट देता हूं, ब्लॉक ट्रेड हैपन ड्यूरिंग मार्केट आवर, आज के सेशन में मार्केट आवर में ही एक ब्लॉक ट्रेड हुआ है जिसमें राधाकृष्णा दमानी वॉज वन ऑफ द इन्वेस्टर हु ब्रॉट 2.2 लाख शेयर्स इन कंपनी। अगर मैं VST इंडस्ट्रीज की शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाता हूं तो आई थिंक नाम दिख जाना चाहिए। प्रमोटर कैटेगरी में 32% है एंड आप देखें FII 1.4% है, DII 17% है एंड पब्लिक कैटेगरी में लगभग 48% है, लेकिन यहां पे बड़े बड़े नाम भी दिखेंगे। राधा किशन दमानी जी का नाम दिख रहा है बट स्टेक आई थिंक उनका 1.63% का दिख रहा है, और ये दिख रहा है सितंबर 2022 के क्वार्टर में, उसके बाद से दिख नहीं रहा है, या तो ये शिफ्ट हो गए हैं किसी और कैटेगरी में या फिर इन्होंने स्टेक कम कर दिया होगा, लेकिन आज इन्होंने 2.2 लाख शेयर्स खरीदे हैं। मैं आपको एक सिंपल सा और छोटी सी राय देना चाहता हूँ, ये रिटेल कैटेगरी पे फोकस कर लो, डीमार्ट पे पकड़ लो, डीमार्ट पे कर लो। मैं इस पे एक वीकेंड पे वीडियो भी लाऊंगा आपके लिए। डीमार्ट की बात करूं तो ये शेयर अभी तक चला नहीं है, काबिलियत बहुत है, 114 के PE पे दिखेगा, महंगा दिखेगा,
लेकिन ये 300 के पी तक चला जाता है। तो मेरे को लगता है, इनफैक्ट इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूं, 5 साल का लोएस्ट पी है इस स्टॉक का, 114 का पी, 92 अभी जो रिसेंटली लो लगा है वो इसका लो पी है 5 ईयर्स का, इसके खुद के कंपेरिजन में करोगे तो ये आपको दर्शाता है कि स्टॉक महंगा है सस्ता है। मेरे को लगता है ये शेयर निकल रहा है कम से कम 6000 की तरफ, 50% की ग्रोथ दिख सकती है। तो ये 3000 से लेकर 4000 के बीच में आप एक्यूमुलेट करो, ये एक दो दिन की जर्नी की बात नहीं है मेरे भाई, ये बात है एक दो साल की। 3000 से 4000 के बीच में आप खरीदते रहो, इनफैक्ट 3500 से लेकर 3800-3900 रुपए के भाव में आप खरीदो और वेट करो। लगभग पहला टारगेट 5100, देन 6000, एंड देन आगे ट्रेल करेंगे। ये वो स्टॉक है जो मतलब आगे चलकर 5 डिजिट में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये आगे पीछे होकर निफ्टी का हिस्सा भी बनेगा। ये 2,67,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और निफ्टी में बनने से पहले आपको पता है एफएनओ में आना पड़ता है, एफएनओ में आएगा, उसके बाद वैल्यूएशन अगर करेक्ट होने होंगे तो होंगे, एंड उसके बाद ये आपको इवेंचुअली निफ्टी में भी आता हुआ दिख सकता है। ये लेकिन दमदार कंपनी है, लेकिन अभी नहीं, मैं थोड़ी टिप की राय दूंगा, इसको आप फोकस में जरूर रखें। ये खुद राधाकिशन दमानी जी की ही कंपनी है, जब उनको इस सेगमेंट में दूसरी कंपनी में ग्रोथ दिखती है तो अपनी में तो डेफिनेटली दिखती ही होगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।